और देखिए शेरी को ये देख रहा है अंगूर और मांग भी रहा है देखिए कि मम्मी मुझे अंगूर दे दो। तो इसे सब चीज़ खानी है, सब चीज़ मांगता है ये। शेरी खाएगा अंगूर? हैं अंगूर खाएगा? तो अभी देते हैं शेरी को। देखिए मैं तो हाथ से ऐसे ही खिलाती हूँ। ये खा गया मजे। शेरी के आ रहे हैं मजे। शेरी वाओ आहा खट्टा खट्टा आहा मजा आ गया शेरी। और लेगा? बस और नहीं मिलेगा शेरी तेरे को। बस फिनिश हो गया, अब सो जाओ। सो जा, चल लेट जा नीचे। टेढ़ा क्या देख रहा मुझे, सो जा। और अब इसकी स्वेटर उतर गई है, इसको ठंड नहीं लगती और धूप भी नीचे आने लग गई है। और शेरी को देखिए भूख बनती इसकी, अंगूर मांगते हुए को देखिए निशाना लेता नहीं है, पर ऐसे बैठ गया लाड से कि मुझे दे दो मम्मी। शेरी नो नो। और देखिए मैं बना रही हूँ अपने लिए स्पेशल डिनर। तो मैंने कॉर्न को उबाल लिया है और ये सोयाबीन है जो मैं उबाल रही हूँ, और इनको अच्छे से उबाल कर छनने के लिए रख दूँगी। और ये मैं सब्जियाँ काट रही हूँ, मैंने ब्रोकली काटी है। तो आप कुछ भी सब्जियाँ ले सकते हैं, जो जो मेरे पास अवेलेबल थी मैंने वही काटी हैं। तो ब्रोकली को छोटा छोटा पीस में काट लिया है, चुकंदर काटा है मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में, ज़्यादा बड़े टुकड़ों में नहीं काटी है। और ये पत्ता गोभी काट रही हूँ मैं। तो आपके पास जो भी सब्जी हो ना वो आप लीजिएगा, तो मेरे पास यही और चीज़ें देखिए थी। मैंने सोयाबीन और कॉर्न्स को ना छान लिया है, और अच्छे से भी निचोड़ा नहीं है, निचोड़ दूंगी। इसमें पानी है बहुत सारा, तो निचोड़ने के लिए रख देती हूँ, निचोड़ूंगी हाथ से भी। और इधर मैंने सारी सब्जियाँ काट ली हैं और कढ़ाई रख दी है। तो मैं रात के लिए बना रही हूँ अपने लिए स्पेशल खाना। तो मैं थोड़ा सा डाइटिंग कर रही हूँ, तो मैं 7 बजे से पहले पहले अपना जो है खाना खा लेती हूँ रात का। तो देखिए कढ़ाई में ना मैं थोड़ा सा ऑयल, देखिए कढ़ाई हो गई है गरम, तो इसमें ज़रा सा ऑयल डालना है, 1 चम्मच बस, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना हमने। और इसमें मैं सारी जो भी सब्जियां मैंने चॉप की हैं, पहले प्याज डालूंगी, हल्के से फ्राई करूंगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, कच्चा कच्चा ही रखना है सभी को। तो हल्का हल्का फ्राई करूंगी इनको धीरे धीरे, और नॉर्मल गैस रखनी है हमने। तो सभी सब्जियों को ना मैं अच्छे से पहले फ्राई कर लूंगी धीरे धीरे। और मैंने सारी सब्जियां धीरे धीरे इसमें डाल दी हैं, हल्की हल्की सी मैं भून रही हूँ, ज़्यादा नहीं भूनूंगी, हल्का सा कच्चापन रहना चाहिए। तो रात का सैलेड है ना, तो इसको पका कर ही खाना है, तो रात को कच्चा सैलेड नहीं खाना। तो इसको मैं देखिए बना रही हूँ, अच्छे से पका रही हूँ। इसमें मैंने पत्ता गोभी ऐड कर दी, ब्रोकली, चुकंदर और प्याज, तो जो जो भी चीज़ें थी मेरे पास वो सब डाली हैं। और प्याज के ऊपर जो ग्रीन कलर का पार्ट उगाता है वो भी मैंने इसमें डाल दिया निकाल के। तो अच्छे से हल्का हल्का इन्हें भून लूँगी नॉर्मल गैस पर। तो अच्छे से भून रही हूँ इनको मैं, देखिए। और हल्का सा क्रंचीपन रहना चाहिए, बिल्कुल भी पकाना नहीं है आपको इसको। और देखिए सोयाबीन और मैंने कॉर्न भी ऐड कर दिए थे, उनको भी भून लिया। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल ली है मैंने। तो नमक भी आपको नाइट में कम ही खाना है, बहुत कम नमक डाला था मैंने, बिल्कुल नौ ना के बराबर तो नहीं था पर कम था, मुझे कम ही लग रहा था। और कम ही खाइए रात को, नमक भी अवॉइड करिए वेट लॉस में। और इसे ढककर मैं 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगी। और देखिए 2-3 मिनट के बाद मैंने देखा तो ये अच्छे से जो है थोड़ा थोड़ा पक गया है, तो खाने के लिए रेडी है ये। अब इसे खा सकते हो आप, तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये सैलेड। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, और वेट लॉस में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और देखिए मैं इसमें एक अंडा डाल रही हूँ तोड़ के, और अच्छे से फ्राई कर लूँगी सारी सब्जियों के साथ अंडे को भी। तो आप अंडा नहीं खाते हो तो आप पनीर भी डाल सकते हो इसके अंदर। तो अंडे को अच्छे से मैंने फेंट भी लिया था सारी सब्जियों के साथ जो है मिक्स कर लिया था, और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सैलेड था। तो खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था, अंडे से और भी अच्छा लग रहा था। तो अंडे की जगह आप पनीर भी डाल सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इस तरीके का सैलेड ज़रूर बनाइए और ज़रूर खाइए, तो वेट लॉस होता है इससे। और रात को रोटी नहीं खाती हूँ,
अनाज कम खाती हूँ तो ये इस तरीके का सैलेड बनाकर खाती हूँ। तो ऐसे सैलेड और भी बनाती हूँ मैं, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको सैलेड की रेसिपी कैसी लगी, और इस तरीके के सैलेड की रेसिपी अगर और भी चाहिए तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और देखिए मैं सर्व कर रही हूँ अपने सैलेड को इस बाउल में, तो आप ऐसे ही एक सुंदर सा बाउल लीजिए जिसमें हमारा अच्छा लगे सैलेड और हमारा मन भी करे खाने का। तो मैंने इसमें ऐड कर लिया है, और इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है उससे। और भी नमक कम डाला था इसीलिए चाट मसाला थोड़ा सा ऐड किया है, और ऊपर से नींबू निचोड़ूंगी, आधा नींबू, ये पूरा नींबू निचोड़ दिया मैंने आधा। तो नींबू से ना हजम भी होती है ये चीज़ें, और इससे टेस्ट भी बढ़ जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है नींबू से। तो आप भी ज़रूर इस मेरे इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी ये वाली रेसिपी। तो बहुत टेस्टी बनती है और पेट भी फुल फिल हो जाता है, दोबारा आपको खाने की इच्छा ही नहीं होगी। और सुबह शाम को मैं जल्दी खा लेती हूँ, 7 बजे से पहले पहले। तो बहुत ही अच्छी डिनर की रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए मेरा खाना तैयार है, और अभी 7 बजे नहीं है, 6:30 हुए हैं, 6:35। तो मैं अभी खा लूँगी, 7 बजे तक अपना खाना कंप्लीट कर लूँगी। तो आप लोग भी इस तरीके का हेल्दी फूड खाइए। तो जो लोग अंडा नहीं खाते, वेजिटेरियन है, वो पनीर डाल सकते हैं अंडे की जगह। तो मैं अंडा खा लेती हूँ, तो मैंने अंडा डाला है। तो मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे पहले थोड़ा फ़र्क पड़े तो मैं आपको दिखाऊँगी। फिलहाल मैं आपके साथ अपने फूड शेयर करूंगी, अब जो मैं रात को खाया करूंगी या दिन में, जिसको भी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं पूरे दिन का आपको अपना बताऊंगी रूटीन, कि मैं क्या क्या खाती हूँ सुबह में और रात को मैं क्या खाती हूँ। तो आपके लिए मैं हमेशा रोज़ जो है नाइट में अपनी जो खाती हूँ ना, मैं रेसिपी वही लेके आऊँगी। तो मैंने सूप वगैरह कल परसों पिया था, तो मैंने बनाई नहीं थी उसकी वीडियो। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं अपनी ये वाली रेसिपी की वीडियो आपके साथ शेयर करूं या ना करूं। तो देखिए कितना अच्छा हेल्दी पौष्टिक मेरा ये डिनर है, तो मैं यही खाऊंगी बस। तो रात को मेरे को 10 दिन हो गए मैं रात में रोटी नहीं खाती बिल्कुल भी। तो रात को हमें भी ना अनाज को अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरीके से खाइए आप, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा फैट बढ़ा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कंट्रोल करूँ। तो कोशिश जारी है मेरी। तो आप बताइएगा और भी, अपनी भी सलाह दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे मुझे बताइएगा और भी तरीके। तो मैं भी जो जो मुझे पता है मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा कीजिए, और धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट से मेरा उत्साह बढ़ाएं, और बताइएगा मेरी ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये रेसिपी मैं खुद से ही बनाती हूँ, किसी की नकल नहीं करती हूँ, और ये खुद से ही मैं बनाकर आपके साथ शेयर करती हूँ और खाती भी हूँ। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो भी वेट लॉस करना चाहता है। तो ऐसी ऐसी जो रेसिपी डाल रही हूँ आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और हमेशा एक बात ध्यान रखें, रात को हमें कच्चा भोजन बिल्कुल नहीं खाना रात के समय। तो रात को थोड़ा सा पका हुआ भोजन खाना चाहिए, ताकि वो डाइजेस्ट जो है जल्दी हो। दिन में तो आप कच्ची सब्जियाँ, कच्चा सैलेड वगैरह खा सकते हैं, पर नाइट में थोड़ा सा इस तरीके से पका हुआ ही होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही, ज़्यादा मैंने नहीं पकाया। तो जो ये सोयाबीन है, ब्रोकली, चुकंदर, ये तो चुकंदर वैसे भी खा सकते हैं कच्चा, पर रात में कच्चा सैलेड जो है अवॉइड करना चाहिए। सुनते आ रहे हैं सभी से, बड़े बुजुर्गों से, कि रात में सैलेड खाना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं हल्का सा पका लेती हूँ। तो आप अंडे की जगह पनीर भी ऐड कर सकते हैं। तो बताइएगा मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर भी कीजिए, और लाइक शेयर कमेंट सभी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, बाय।